भोजपुरी का सबसे हिट गाना कौन सा है? आप कहेंगे लॉलीपॉप लगन, क्योंकि इस गाने को इंटरनेशनली अक्लेम मिला हुआ है। तो हम आज इस गाने से जुड़े हुए कुछ बातें आपको बताएंगे जो शायद ही आपको पता होगी। तो आपको बता दें कि इस साल इस गाने को पूरे हो गए हैं 13 साल। जी हाँ, इस गाने को 13 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि पवन सिंह ने इसे 2 बार गाया था, एक बार मूवी के लिए और एक बार एल्बम के लिए। और इस एल्बम को बनाया था वेव कंपनी ने, और इसके जितने भी कलाकार हैं आज भी पवन सिंह उनका शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलते, और उसी में से हैं एक रितु जो इस गाने की हीरोइन थी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इस गाने ने ही पवन सिंह को पवन सिंह बना दिया, और पवन सिंह आज इसी गाने के बदौलत देश विदेश में जाने जाते हैं। भले ही पवन सिंह कितना भी बड़ा स्टेज शो कर ले, भले ही कितने अच्छे और मधुर गाना गा दे, लेकिन ऑडियंस उनसे ये गाना जरूर सुनती है। तो चलिए, इस गाने की हीरोइन के बारे में आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपको शायद ही पता होगी। इस गाने में जो हीरोइन है वो हरियाणा की है। जी हाँ, उनका नाम है रितु, और रितु को जब पवन सिंह ने अपने इस एल्बम का ऑफर दिया था तब तो रितु भी नहीं जानती थी कि ये एल्बम इतना बड़ा इतिहास क्रिएट कर देगा। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह रितु से दिल्ली में पहली बार मिले थे, और रितु से मिलते ही पवन सिंह ने उन्हें अपने इस एल्बम में काम करने के लिए मना लिया। वैसे आपको ये भी बता दें कि जब रितु इस एल्बम के लिए मानी तब रितु के पास कुछ खास काम नहीं था। रितु तब हरियाणा के इक्का दुक्का गानों में नजर आई थी, और उसमें भी उन्हें वो एप्रिशिएशन नहीं मिला था। लेकिन भोजपुरी का नाम सुनते ही रितु ने पवन सिंह से ये कहा कि मुझे तो भोजपुरी आती नहीं है, तो मैं कैसे इस गाने में काम करूँगी। तब पवन सिंह ने ये कहा था कि गाना आपको थोड़ी है, गाना तो मुझे है, और आपको तो सिर्फ वो करना है जो अमूमन हिंदी फिल्म की हर हीरोइन करती है। रितु समझ गई, लेकिन वहाँ से उनकी मुलाकात के बाद फिर पवन सिंह सीधे बिहार आ गए, और उन्होंने अपने एल्बम की तैयारी करना शुरू कर दिया। इतने में रितु भी पवन से मुलाकात और उनके ऑफर के बारे में भूल चुकी थी। फिर एक दिन जब इस एल्बम की पूरी तैयारी हो गई कि अब एल्बम शूट होगा, तब पवन सिंह ने रितु को फ़ोन किया और कहा, क्या आप बिहार आ सकती हैं, हमें एक एल्बम की शूटिंग करनी है। तब रितु ने कहा कि आपको आज भी मैं याद हूँ। पवन सिंह ने कहा था, मैं वादा करता हूँ तो भूलता नहीं हूँ, मुझे आज भी आप याद हैं। ये बात सुनकर रितु तुरंत दिल्ली से बिहार पहुंच गई। वैसे आपको ये बता दें कि तब रितु ने ये कहा था कि वो ये नहीं जानती थी कि ये गाना जिसे वो करने जा रही हैं वो इतना बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेगा। इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। गाना ख़त्म करने के बाद रितु सीधे बिहार से दिल्ली आ गई और अपने कामों में जुट गई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रितु हरियाणवी हैं, इसलिए हरियाणा और पंजाबी के जो एल्बम सॉन्ग हैं उसमें लगातार रितु काम कर रही थी। हाँ, ये बात और है कि वो वहाँ का कोई नामी चेहरा तो नहीं बन पाई थी, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। और ऐसे में ही काफ़ी दिन बीत जाने के बाद रितु दिल्ली की एक शादी में पहुँची। वहाँ जब वो पहुँची फिर कुछ देर बाद उन्हें एक गाना सुनाई दिया, जब लगावे लू तू लिपस्टिक हिले यारा डिस्टिक। जी हाँ, जैसे ही रितु ने ये गाना सुना उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि इस गाने में तो रितु ने बतौर एक्ट्रेस काम किया था, और रितु ने न आव देखा न ताव देखा सीधे पहुंच गई डीजे वाले के पास, और उन्होंने डीजे वाले से कहा, भैया ये गाना आपने कहाँ सुना। तब डीजे वाले ने कहा, मैडम आजकल ये गाना सेंसेशन हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ ये गाना बज रहा है, फिर वो चाहे शादी हो फिर वो चाहे बर्थडे पार्टी हो। तब रितु को एहसास हुआ कि ये गाना कितना बड़ा हिट हो गया है, लेकिन ये रितु का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि डीजे वाले ने ये पहचाना ही नहीं कि इस गाने की एक्ट्रेस ही उनसे ये सारे सवाल कर रही है। अब तो रितु जहाँ जिस भी पार्टी फंक्शन में जाती इस गाने पे जमकर डांस करती, और लोगों को ये बताती भी कि इस गाने की वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और साथ ही साथ ये रितु के कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा बेंचमार्क था।
क्योंकि रितु अब कहीं भी जाती तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था जो लोगों को आजकल बहुत इंटरटेन कर रहा था। और रितु लोगों के पास जाकर अपना काम दिखा सकती थी कि वो कितने बड़े सॉन्ग का हिस्सा हैं। और लॉलीपॉप सॉन्ग के कारण ही रितु को पंजाबी और हरियाणवी दोनों ही जगह यानी दोनों ही इंडस्ट्री में भरपूर काम मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रितु को भोजपुरी ना आने के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा खासा काम तो नहीं मिला, जिसके लिए रितु अपने आप को अनलकी भी मानती हैं। तो यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।